So children, let's get started our exercise 1.7. Okay, look at the question number 1. Write the Roman numerals for the following. आपका ये question number A है. Question number A कहता है 6 को हम Roman numerals में कैसे लिखेंगे. ठीक, Roman numeral मैं आपको बता चुकी हूँ, alphabetical order में जब हम numbers को लिखने लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, Roman numerals कहते हैं. 6 को लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो V है उसका यूज 5 के लिए होता है, राइट. और V के आगे जब हम राइट साइड कोई वैल्यू लिखते हैं उससे छोटी, V के आगे हम राइट साइड उससे छोटी वैल्यू, हमने I लिखा, क्या लिखा, I. ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाता है, V प्लस I. V की वैल्यू क्या होती है 5, I की वैल्यू क्या होती है 1 = 6. प्लस हम तब करते हैं जब हम राइट साइड लिखते हैं, माइनस हम तब करते हैं जब हम लेफ्ट साइड लिखते हैं. सबको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी लास्ट वीडियो में. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी. 14 को हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि हम 10 कैसे लिखते हैं, 10 को हम x के थ्रू लिखते हैं, राइट. 10 को हम x से लिखते हैं, ओके. 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को हम ऐसे लिखते हैं. क्यों हम 4 को ऐसे क्यों लिखते हैं, 4 को हम इसलिए ऐसे लिखते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर क्या बताया, V प्लस I, क्योंकि I राइट साइड था. यहाँ पर भी हमने यही लिखा है, V I. लेकिन जब हम इसके लेफ्ट साइड लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं. V क्या है 5, 1 क्या है, I क्या है 1. और जब भी हम इसे लेफ्ट साइड लिखते हैं इससे छोटी वैल्यू को, इट मीन्स कि वो क्या होता है, माइनस होता है, राइट. ओके, तो 4 को हम ऐसे लिखते हैं, 10 को हम x से लिखते हैं, और 14, 10 को हम ऐसे लिखते हैं और 4 को हम कैसे लिखते हैं, लाइक दिस. इसका क्या मतलब हो गया, हमने क्या लिखा, 14. 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14. क्लियर है सबको. 23. यस, डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक ओनली, ये आपको बुक में ही करनी है. 23 को कैसे करेंगे, 23 10 प्लस 10, राइट, 20 हो गए. नाउ 3, 1, 2, 3, दैट मीन्स 10 प्लस 10, जब भी हम राइट साइड जाते हैं ना तो वो हम प्लस लेकर जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, प्लस लेकर जाते हैं. ये आपका आई है, प्लस आई, दैट मीन्स 10 प्लस 10 20, 21, 22, 23, राइट. अब ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे. Now come to the next question number 2. Write the Hindu Arabic numeral for the following Roman numerals. Here, this is V. V means 5, 6, 1, 7. ये क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा, right? और जब भी हम right side जाते हैं तो हम क्या करते हैं? Add करते हैं. That means V plus I plus I. V का मतलब क्या होता है? 5 plus I का मतलब 1 and again 1. ठीक है? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 11, 12. इसे क्या लिखते हैं, 12. एंड यू हैव टू लर्न द चार्ट, दैट चार्ट इज मस्ट फॉर यू पीपल, ओके. वो चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिना लर्न करे उस चार्ट को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो. अगेन 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30, वी मीन्स 5, 35, 36, 37. तो ये क्या हो जाएगा आपका, 37, ओके. ये क्या है आपका, X और L. X का मतलब क्या होता है बच्चों, X का मतलब मैंने आपको बताया अभी 10 होता है, और L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है आपका 50 होता है. L क्या होता है, 50 होता है. अच्छा, अब ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है, कहाँ लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है, राइट. तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड मैंने अभी बताया, जब लेफ्ट साइड होता है छोटा नंबर तो उसको माइनस करते हैं, दैट मीन्स 10 माइनस 50, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 40, राइट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40. एंड दिस क्वेश्चन विल बी डन बाय यू, ये क्वेश्चन आप करेंगे. नाउ द एक्सरसाइज इज ओवर एंड चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड. नाउ स्टार्ट डूइंग दिस वर्क इन योर बुक.